जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। मैं दिनेश श्रीवास्तव। कंट्रोल मोटर निकला है ना, उसमें लो पंपा के गलत शब्द है, उसमें पूरे राज्य में जो है कि 60 Hz पार करके करीब 70% लोग हैं जो कम हो जाए पूरे, और कोई सेट रास्ता भी नहीं दिया कि और उसको नहीं दिया जाएगा तो उनका घर में कोई सेक्शन को अप्लाई बाकी रह सकता है, ये भी कोई रास्ता नहीं है। होता है कि जैसे मान लीजिए समाप्त कर रहे हैं जो रास्ता दे रहे हैं कुछ गलत प्रशिक्षित आदमी है जिसका रोजगार नहीं है, तो आवेदन दे और उस पर कार्रवाई किया जा सकता है, वो भी रास्ता बन सकती है। क्या इन लोग का मान से क्या मान है? जो जन वितरण प्रणाली के डीलर हैं, इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक हमेशा ही कंट्रोल ऑर्डर पास होता है। हम लोगों के समय में 2017 में मैं मंत्री था तो एक संकल्प कैबिनेट में निकाला था, उस संकल्प में 2014 के एक प्रावधान को बदला था। 2014 में एक प्रावधान था कि अगर किसी डीलर की मृत्यु हो जाती है तो एक बार अनुकंपा के आधार पर उसे किसी परिवार को नौकरी मिल सकती है। हम लोगों की सरकार ने इस प्रावधान में संशोधन करके ये किया कि अनुकंपा पर नौकरी हमेशा ही रहेगी, भले ही एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, चार बार हो। अभी सरकार ने नियंत्रण आदेश में एक परिवर्तन कर दिया है कि 60 साल के पहले अगर मृत्यु हो जाती है डीलर की तभी अनुकंपा पर उसके किसी परिवार को दुकान को आवंटित किया जा सकता है। 60 साल का होने के बाद अगर होती है तो अनुकंपा पर उसके परिवार को नहीं मिलेगा, अब ओपन रहेगा, खुला रहेगा, चाहे जिसको मिले। इसी को लेकर आज मेरे पास राशन डीलर लोग आए थे, उनका कहना था कि हम लोग तो साहब कमीशन एजेंट की तरह काम करते हैं, हम लोग कोई वेतन नहीं मिलता है। जब वेतन नहीं मिलता है तो हम लोगों के परिवार की रोजी रोटी आगे भी इसके माध्यम से चलती रही रहे। इसका प्रावधान जो 2017 की सरकार किया था उस प्रावधान को आपको लागू करना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए। इसी से लोग दुखी हैं, सबको लगता है कि अधिकांश जो डीलर हैं वो 60 साल के ऊपर के हो गए हैं, अगर जब भी इनकी मृत्यु हो जाएगी तो पहले जैसा इनके किसी परिवार को इनके जगह पर दुकान का आवंटन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर जो चिंतित हैं मेरे पास आए थे, मैंने उनसे कहा है कि भाई इसके बारे में मैं विभागीय सचिव से बात करूंगा किस कारण से ऐसा हो रहा है। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, पूरी डंप आपका डॉग में फंसा हुआ है, वह है गेहूं। उन्होंने दोनों देश ने एक समझौता किया और ग्रीन कॉरिडोर बनाया कि जो खाद्यान्न है वह विश्व के हर देश में पहुँचाया जाए। यह ग्रीन कॉरिडोर बनता है और हर देश में पहुंचता, युद्ध चलता है। कहने का तात्पर्य है कि जो खाने का वस्तु होता है, सरकार विदेश के जितनी भी सरकार है भारत छोड़ के उसको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, और सब काम छोड़ के वो खाद्यान्न को कैसे करके आम जन के पास पहुंचा उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन भारत की अब व्यवस्था देखिएगा तो FCI गोदाम में जो खाद्यान्न है भरे रहता है और FCI से स्टेट आते आते उसका व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाता है। अभी सरकार, झारखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा तुलंकित फरमान जारी कर दिया, वो फरमान आप सुन के दंग रह जाइएगा। हमारे साथ मनोज जी है, उनसे पूछते हैं कि यह क्या फरमान है और इसके बारे में जानकारी। आज इनको सचिव राज्य के घर में आए थे और इनसे बात करें। पूर्वी विधायक क्या बात है, पहले शुरू से बताइए क्या कानून अभी अचानक पारित हो गया? और हम लोग सारी तत्प्रश्न को अवगत कराए हैं कि पूरे राज्य में जन वितरण प्रणाली की 25,000 लगभग दुकानें हैं। 25,000 दुकान में से 70% कहने के मतलब 17,000 डीलर जो है बुजुर्ग है, जो कई 60 साल से उम्र पार कर चुके हैं। सरकार ने 28 जुलाई 2022 में जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश एक लागू किया है, उसमें अनुकंपा के मामले में जन वितरण प्रणाली के लिए एक नया आदेश जारी किया है। उसमें
उसमें लिखा है कि 60 साल के अंदर मृत्यु होने पर ही 1 साल के अंदर ऑनलाइन करने को दिया जाएगा, और उसने लिखकर तो स्टॉपेज कर दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने 60 साल के ऊपर अगर डेट किसी का मृत्यु हो जाता है तो बंदा का तो श्रम कम का लाभ नहीं मिलेगा। उसके विरोध में हम लोग विधायक जी से मिले और सारी बात उनको कंट्रोल ऑर्डर पे कॉपी को लगा कर दिए। विधायक जी देने मामला बहुत गंभीर है, उसमें रोजगार सब समाप्त हो जाएगी आने वाले सब के बाद। इस पर हम मंत्री जी से प्रधानमंत्री से बात करेंगे और सरकार ने इसमें कैबिनेट में पास नहीं करा, इसके लिए अलग से संकल्प करके जारी होना चाहिए था, नहीं हुआ है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें सुधार हो और संकल्प जारी हो। लेकिन हम लोग इसके लिए करके 22 अगस्त को धनबाद में भी एक बैठक किए थे, जिसमें पूरे राज्य के 24 जिले के अध्यक्ष महासचिव उसमें शामिल हुए थे, प्रदेश सदस्य के नेतृत्व में। वहाँ पर हम लोग निर्णय लिए थे कि अगर सरकार 1 महीना के अंदर इस पर कोई बदलाव या कुछ निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग पूरे राज्य में आंदोलन से तैयार हैं, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हड़ताल करने से पीछे नहीं हटेंगे। यही सब के मामलों को लेकर हमने विधायक जी को भी अवगत कराए कि आज हमारा रोजगार चले जाएगा तो हमारा बाल बच्चों का रोजगार कहाँ से प्राप्त, तो हमारा रोजगार सुरक्षित रहे। मैं सरकार की सेवा करने को तैयार हूँ। सरकार का तरफ से कोई पेंशन भत्ता या और कुछ सुविधा नहीं है, सिर्फ 1 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन मिलता है, उसमें हमारा रोजगार चल रहा है। मैं तय करना चाहता हूँ प्रमोद गुप्ता जिला महासचिव। प्रमोद गुप्ता जी ने कितनी अच्छी से अपनी बात रखा, हमारे साथ मोहन साहू जी हैं जो हर समय लड़ते रहते हैं, उनसे भी जान लें। ये जो फरमान आया है इससे क्या घाटा होगा, जो आने वाले जनरेशन है, जो बच्चे हैं उनको भी नहीं मिलेगा। सरकार अभी भेदभाव कर रही है, सरकार कोई से खत्म करना चाहती है। आज जन वितरण प्रणाली के दुकान के माध्यम से झारखंड में 57 लाख कार्डधारियों को राशन वितरण हो रहा है। आज एकाएक सरकार अभी 28 जुलाई को एक आदेश निकाला, इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के दुकानदारों को मृत्यु के पश्चात उनको आश्रित को अनुकंपा के आधार पर लाभ नहीं दिया जाए, जिससे आज वर्षों से डीजल वितरण के दुकानदार, यहाँ सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जिसे जन वितरण के द्वारा ही लोग तक अनाज पहुंचा रहे हैं, काम किया जाता है। जिसे सरकार, हम लोग सरकार से यदि, और राशन दुकानदार कोई नौकरी वाला नहीं है, यदि सरकार चाहती है कि हमको 60 साल के बाद दुकान कंपा पर लाभ न मिले तो सरकार हम लोग को सरकारी कर्मचारी में परिणित कर दे और हम लोग सरकार पेंशन लागू कर दे कि मृत्यु पर पश्चात हम लोग पेंशन देंगे, फिर हम लोग लाइसेंस कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। इसका अंतिम विकल्प क्या है, अभी जो सरकार अगर लागू कर ही देते तो आप लोग क्या करेंगे, अंतिम लड़ाई कहाँ तक जाएगी? हम लोग अभी वेट एंड वॉच में लगे हुए हैं, 1 से 2 महीने के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करने को तैयार है, पूरे राज्य में हड़ताल करने। झारखंड सरकार या कोई भी सरकार हो, अचानक कोई भी डिसीजन रातों रात ले लेते हैं, वह डिसीजन जी का टेक्निकल भी चीज़ नहीं है। कोई भी कानून पारित होता है वह कैबिनेट में पास होता है, कैबिनेट में पास होने के बाद विधानसभा के पटल में रखा जाता है, उसके बाद कानून बनता है। अचानक ये फरमान नोटिस आ जाता है कि आप ऐसा 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 नियम कीजिए। अब देखना है कि एक तरफ वह जन वितरण प्रणाली दुकानदार और एक तरफ सरकार, आने वाला भविष्य क्या होगा या कुछ समय बताएगा। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।